हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ के फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन विद्युत धारा के बारे में, जो कि आपके एक्सरसाइज का लेसन नंबर 4 है। आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक देखिएगा फ्रेंड्स, या आप लोगों को ऐसे अगर आप लोग कहीं पढ़ते होंगे या आप लोग किसी भी सीनियर के मुँह से भी सुनते होंगे, तो वो लोग आपको एक ही बात कहते होंगे कि अगर फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो वो हम लोगों का इसी लेसन से पूछता है। और आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ओम का नियम, वो हम लोगों का इसी में आता है। तो आज हम लोग इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा लेसन का नाम था, और पहला क्वेश्चन ही है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा का इंग्लिश आप लोग समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो हम लोग आंसर करेंगे कि किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच, किसी चालक पदार्थ के किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेशों के सतत प्रवाह। अब सतत का मतलब होता है फ्रेंड्स कि लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार कंटिन्यू जो प्रवाह हो, विद्युत धारा कहते हैं। सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है जिसे हम लोग ऐसे सूचित कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, यहाँ तक के विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है और इसे हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग आंसर करते हैं कि किसी चालक पदार्थ में, आप लोगों को पता होगा कि चालक पदार्थ वह होता है जिसमें हम लोगों का करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग सीधी भाषा में कहते हैं लाइन, वो आसानी से पार हो जाता है। अब दो बिंदुओं के बीच जो प्रवाह होता है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक फ्रेंड्स एम्पियर होता है जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, कैपिटल ए से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चालक या सुचालक किसे कहते हैं, उदाहरण दे। चालक या सुचालक किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो हम लोग आंसर करेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता हो कह लीजिए, या प्रवाहित होता हो या बहता हो, सब मीनिंग एक ही होता, जाता हो, चालक कहलाता है, चालक पदार्थ कहलाता है। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात और शुद्ध जल, मनुष्य तथा जानवर का शरीर, नमीयुक्त हवा, पृथ्वी इत्यादि। यहाँ सभी हम लोगों के जगह पर करंट पास होता है। अगर आप लोग पृथ्वी को न भी लिखे तो चलेगा, ये सभी जगहों पर हम लोगों का हवा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो आसानी से प्रवाह हो जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि विद्युत चालक, सबसे चालक विद्युत का पदार्थ जो होता है वो हम लोगों का चांदी होता है। सबसे ज़्यादा पदार्थ हम लोग अगर किसी में बहता है तो वो हम लोगों का चांदी में बहता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स कि अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी अर्थात विद्युत का विरोध करने वाला किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो हम लोग आंसर कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता हो या पार नहीं करता हो या प्रवाहित नहीं होता हो, वो हम लोगों का विद्युत रोधी या अचालक या कुचालक पदार्थ कहलाता है। अब जैसे हमें कांच, मोम, चमड़ा, रबर, सूखी लकड़ी, जल में करंट प्रवाहित होता है, और शुद्ध जल में कागज इत्यादि, ये सभी हम लोगों का क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका ये हो गया अचालक या कुचालक के पदार्थ। अब आपसे कभी कभी ही पूछता है कि अचालक या कुचालक, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव में हमेशा देखिएगा तो आपको लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन कुचालक है। आपको कुचालक पूछ देगा और लिख देगा सोना, चांदी, उसके बाद मनुष्य, और उसके बाद लिख देगा मोम। तो आप जानते हैं कि मोम में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती, इसलिए हम लोगों का ये कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका VVI क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टिक लगा है। तो विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो हम लोग करेंगे तो इसका आंसर होगा कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण होता है। जितना देर में उससे पार करती है, जितना समय लेकर, उसके आवेश का इकाई समय जो होता है वो उसका परिमाण या कुछ मान कह लीजिए आप, परिणाम या परिमाण होता है। पर अगर आप चेंज करके आप लोग समझ सकते हैं कि यदि अनुप्रस्थ काट से T समय से Q आवेश को पार करने वाली धारा को हम लोग सूचित करते हैं I से। I बराबर हो जाएगा आपका Q/T, या I बराबर आप लोग, या Q बराबर जिसके इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, आप लोग Q को एक से गुना कीजिएगा तो आप लोग जब आवेश का मान निकालेगा तो Q बराबर धारा गुने समय यानी I गुने T भी हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ I आपका फ्रेंड्स क्या है तो वो आपका धारा है और T जो है वो आपका समय है। ये आपके न्यूमेरिकल के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हम लोग इसको कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एम्पियर को परिभाषित करें, एक एम्पियर को परिभाषित करें, तो हम लोग इसका आंसर आसानी से करेंगे। देखिए क्या होगा कि किसी चालक से अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक से के जगह पे के कर लीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि एक सेकेंड में, यदि एक सेकेंड में एक कूलॉम यानी सी आवेश प्रवाहित होता है, एक कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता एक एम्पियर कहलाती है। आप लोग याद किस तरह से कीजिएगा, तो इतना लंबा भाषा नहीं, आप लोग बस ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि एक सेकेंड में एक कूलॉम आवेश प्रवाहित करती है, तो उस काट से जो पार करती है धारा एक सेकेंड में, वो हम लोगों का एक एम्पियर कहलाती है। अब आप लोग एक एग्जांपल से समझे कि एक एम्पियर बराबर एक कूलॉम बटे एक सेकेंड, यानी एक कूलॉम की धारा एक सेकेंड में प्रवाहित होगी, बटे में हम लोग करेंगे तो हम लोगों का एक एम्पियर मिल जाएगा, यानी वन ए इज इक्वल टू सी बाय एस। अब यहाँ एक लिखे या नहीं लिखे हम लोगों का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीटर क्या है, आखिर एमीटर कर रहे हैं हम लोगों का, एमीटर होता क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि एमीटर क्या है। तो हम लोग लिखते हैं कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा की माप, आगे देखिए कि माप या मापी जाती है, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे ए मीटर कहा जाता है। पर आप चेंज करके लिखिएगा कि ए मीटर को किसी विद्युत परिपथ जुड़े उपकरणों के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ की कुल धारा उससे होकर प्रवाहित हो, किसी प्रकार से जोड़ा जाता है ताकि परिपथ से उससे जो परिपथ से जो धारा होती है फ्रेंड्स वो कुल एक बार में ही प्रवाहित हो जाए, और इस प्रकार के क्रम श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े होते हैं। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप लोग इस बात को देखिएगा कि आप लोग से लगभग हर साल ये पूछा जाता है, एक प्रॉक्स ये रखिए कि 100% ही पूछा जाता है आपसे कि ए मीटर को निम्नलिखित में से किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम लिखा लगा इनमें से दोनों, या आपको लास्ट का ऑप्शन लगा इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या रखेंगे श्रेणी क्रम। फ्रेंड्स मैं जिस पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ आप लोग भी उस पॉइंट को हाईलाइट करते ही चलिए। ये आपके ए मीटर का फिगर है, अगर आप लोग समझ सकते हैं तो देखिए यहाँ से धारा इधर आप लोग देखिए आसानी से समझिए, तो एक बार यहाँ से धारा प्रवाहित होती हुई यहाँ हम लोगों ने ए मीटर जोड़ दिया, और यहाँ से फिर धारा प्रवाहित होती आपका ये पूंजी हो गया यहाँ से, तो आप लोग इस फिगर को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो हम लोग आंसर करेंगे कि जिस पथ पर, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपसे पूछेगा कि रोड किधर कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जिस पथ पे हम लोग, जिस रास्ते पे जा रहे हैं वही हम लोगों का रोड कहलाएगा। उसी तरह विद्युत परिपथ, परिपथ का मीन्स रास्ता, कि विद्युत परिपथ क्या कहलाएगा, तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करेगी वही हम लोगों का विद्युत परिपथ कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, तो आंसर लिखेंगे जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है, और यह हमेशा समांतर क्रम में होता है, यह हमेशा किस में होता है फ्रेंड्स, समांतर क्रम में होता है। और आप लोग एक और बात लिख लीजिएगा, वोल्ट मीटर को भी से सूचित किया जाता है, कैपिटल भी से हम लोग वोल्ट मीटर को सूचित करते हैं। आइए इसका फ्रेंड्स हम लोग फिगर देख लेते हैं, ये आपका वोल्ट मीटर का फिगर हो गया कि समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स यही आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक था, लास्ट क्वेश्चन था, हम लोग टॉपिक हम लोगों का अभी कंटिन्यू ही रहेगा, तो कल का वीडियो फ्रेंड्स आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, फिजिक्स का आने वाला नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर एमीटर में अंतर, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र, फ्रेंड्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको डेली मिलता रहे फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।